हेलो एवरीवन, हैशटैग क्रिकेट सार्थिक पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मुंबई इंडियंस की। जी हाँ फ्रेंड्स, मुंबई इंडियंस की हम बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे कि मुंबई इंडियंस की टीम वो कौन सा 7 ओवरसीज प्लेयर्स को टारगेट कर सकती है आईपीएल 2021 के ऑक्शन में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पा सके और ऐसे ही आईपीएल की सभी टीमों के अपडेट्स आप सबसे पहले पा सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आईपीएल की हर फ्रेंचाइजी के स्क्वाड में टोटल 8 ओवरसीज प्लेयर्स हो सकते हैं और उन 8 ओवरसीज प्लेयर्स में से मुंबई इंडियंस के पास 4 ओवरसीज प्लेयर्स ऑलरेडी है। सो फ्रेंड्स, पहले उन 4 ओवरसीज प्लेयर्स पर नज़र डालते हैं कि वो कौन सी कंट्री से खेलते हैं और वो क्या करते हैं। तो वहाँ पर आपको सबसे पहले कायरन पोलार्ड का नाम नजर आएगा, जो कि एक बहुत ही बड़े ऑलराउंडर है जो कि वेस्ट इंडीज़ की टीम से खेलते हैं। फिर आपको नंबर 2 पर क्विंटन डिकॉक का नाम नजर आएगा, विकेट कीपर बैट्समैन है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, ओपनिंग करते हैं रोहित शर्मा के साथ और वो साउथ अफ्रीका की टीम से खेलते हैं। फिर आपको यहाँ पर नंबर 3 पर ट्रेंट बोल्ट का नाम नजर आएगा, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो कि न्यूजीलैंड की टीम से खेलते हैं, बहुत ही बड़े फास्ट बॉलर है। आईपीएल 2020 में इन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए बहुत ही अच्छा किया था। और फ्रेंड्स, वहीं अगर हम नजर डालें 4th नंबर पर तो वहाँ पर आपको क्रिस लिन का नाम नजर आएगा, जिनको आईपीएल 2020 में खेलने का मौका नहीं मिला था बट तो भी मुंबई इंडियंस की टीम ने इनको रिटेन किया है। सो ये वो 4 प्लेयर्स जिनको मुंबई इंडियंस की टीम ने ऑलरेडी रिटेन करके रखा है। अब बात करते हैं कि वो कौन से 4 और प्लेयर्स मुंबई इंडियंस की टीम ला सकते हैं अपनी स्क्वाड में। हम यहाँ पर 7 प्लेयर्स का ऑप्शन रखेंगे और उनमें से देखते हैं कि मुंबई इंडियंस की टीम किन प्लेयर्स को चुनती है। तो इन 7 प्लेयर्स की सूची में आपको सबसे पहले डेविड मिलान का नाम नजर आएगा, जो कि इंग्लैंड की टीम से खेलते हैं। फ्रेंड्स, इस साल के ऑक्शन में डेविड मिलान के पीछे बहुत सारी टीमें पड़ने वाली है, उनके पीछे बहुत सारी टीमें बिड करने वाली है, क्योंकि वो वर्ल्ड के नंबर 1 T20 के बैट्समैन है, उनका रैंक नंबर 1 है। सो फ्रेंड्स, उनको ऑब्वियसली उनके पीछे बहुत सारी टीम पड़ेगी और बहुत ही बढ़िया लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं। सो फ्रेंड्स, मुंबई इंडियंस की टीम एक इनको टारगेट कर सकती है। अगर इस सूची में नंबर 2 की बात करें तो वहाँ पर आपको क्रिस मॉरिस का नाम नजर आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आईपीएल 2020 में क्रिस मॉरिस आरसीबी की टीम से खेले थे और आरसीबी ने इनको रिलीज कर दिया। बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर हैं, बहुत ही अच्छी बैटिंग करना जानते हैं और बॉलिंग भी बहुत बढ़िया करते हैं। नई बॉल से बॉलिंग कर सकते हैं, डेथ ओवर से बॉलिंग कर सकते हैं। और आपको जैसा कि पता होगा कि मुंबई इंडियंस की टीम ने बहुत सारे अपने ओवरसीज बॉलर्स को रिलीज कर दिया है, तो मुंबई इंडियंस की टीम इनको भी ट्राई कर सकती है, इनको भी टारगेट कर सकती है आईपीएल 2021 के ऑक्शन में। सो ये होंगे इस सूची के दूसरे प्लेयर। वहीं अगर तीसरे नंबर की बात करें तो वहाँ पर आपको वेस्ट इंडीज के कार्लोस ब्रैथवेट का नाम नजर आएगा। बहुत ही बढ़िया बैट्समैन है, बहुत ही बढ़िया हिटिंग करना जानते हैं, कायरन पोलार्ड की जैसे बहुत ही बढ़िया हिटिंग करते हैं। अगर कायरन पोलार्ड खुदा न खास्ता इंजर्ड हो जाते हैं तो उनके लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट के रूप में खेल सकते हैं प्लेइंग 11 में। सो मुंबई इंडियंस की टीम इनको भी टारगेट कर सकती है। अगर इस सूची में नंबर 4 की बात करें तो वहाँ पर आपको ग्लेन मैक्सवेल का नाम नजर आएगा। फ्रेंड्स, ग्लेन मैक्सवेल द बिग शो, आईपीएल 2020 में इनका बिग शो इतना चला नहीं है बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आईपीएल 2021 में इनका बिग शो बहुत बढ़िया चलेगा। और मुंबई इंडियंस की टीम के लिए ग्लेन मैक्सवेल पहले भी 1-2 साल खेले हुए हैं, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि मुंबई इंडियंस की टीम इनको भी टारगेट करे। वहीं अगर हम इस सूची में नंबर 5 की बात करें तो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क का नाम नजर आएगा। बहुत ही बढ़िया लेफ्ट हैंडेड बॉलर है, मुंबई इंडियंस के पास पहले से जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट है और मिचेल स्टार्क का नाम भी अगर इस सूची में जुड़ जाता है तो मुंबई इंडियंस की बॉलिंग वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग बन जाएगी। मुंबई इंडियंस की टीम की वैसे ही वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग साइड है आईपीएल की। और अगर मिचेल स्टार्क का नाम भी इस सूची में जुड़ जाएगा तो वहाँ पर मुंबई इंडियंस की टीम तो मतलब सबसे ऊपर होगी इस सूची में और इनको कोई हरा नहीं पाएगा, इनके बॉलर्स के सामने कोई अच्छी तरह से बैटिंग नहीं कर पाएगा। सो मुंबई इंडियंस की टीम चाहेगी कि वो मिचेल स्टार्क को उनकी टीम में जोड़ लें। वहीं अगर हम इस सूची में नंबर 6 की बात करें तो वहाँ पर आपको मुजीबुर रहमान का नाम नजर आएगा, जो कि अफगानिस्तान की टीम से खेलते हैं। आईपीएल 2020 में ये किंग्स इलेवन पंजाब की टीम से खेले थे, बहुत ही बढ़िया मिस्ट्री स्पिनर है और मुंबई इंडियंस की टीम के एक ओवरसीज स्पिनर थी। मुंबई इंडियंस की टीम के पास कोई भी ओवरसीज स्पिनर है नहीं, सो मुंबई इंडियंस की टीम इनको टारगेट कर सकती है। बहुत ही बढ़िया मिस्ट्री स्पिनर है, सुनील नारायण, रविचंद्रन अश्विन के जैसे, सो बहुत ही बढ़िया ये चॉइस हो सकते हैं। सो मुंबई इंडियंस की टीम इनको टारगेट करेगी। वहीं अगर हम इस सूची में नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर आपको नेपाल के संदीप लामिछाने का नाम नजर आएगा, जो आईपीएल 2020 में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेले थे और अब दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने इनको रिलीज़ कर दिया है। सो मुंबई इंडियंस की टीम इनको ट्राई कर सकती है बिकॉज मैंने जो रीज़न आपको पहले बताया कि मुंबई इंडियंस की टीम के पास कोई भी ओवरसीज स्पिनर नहीं है, कोई भी प्रॉपर ओवरसीज स्पिनर नहीं है। सो मुंबई इंडियंस की टीम इनको अपने स्क्वाड में लाना चाहेगी, इनको या मुजीबुर रहमान को, दो में से एक को अपने स्क्वाड में लाना चाहेगी। तो देखते हैं कि मुंबई इंडियंस की टीम का फाइनल स्क्वाड क्या होता है। सो फ्रेंड्स, मुझे ये लगता है कि ये 7 प्लेयर्स होंगे जिनको मुंबई इंडियंस की टीम टारगेट करेगी आईपीएल 2021 के ऑक्शन में। आप बताइए कि आपके हिसाब से वो कौन से प्लेयर्स को मुंबई इंडियंस की टीम टारगेट कर सकती है आईपीएल 2021 के ऑक्शन में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।